नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। केंद्र के कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत मिल गई है। हालांकि किसान अब भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार की रात यहीं गुजारी। यहां पंजाब से आए किसानों की बैठक चल रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आइए आपको किसानों से जुड़ी 10 बातें बताते हैं। नंबर 1, टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन की मंजूरी मिलने के बाद वो तब से यहीं पर जमा है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। नंबर 2, सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक हो रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि प्रदर्शन बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में होगा या नहीं। हालांकि कई किसान संगठनों के नेता ने बुराड़ी प्रदर्शन के लिए हां कर दी है। नंबर 3, दिल्ली पुलिस ने भले ही किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति दे दी हो, लेकिन वो बुराड़ी के निरंकारी मैदान में जाने से इनकार कर रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि वो या तो रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं या प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर जाना चाहते हैं। नंबर 4, पंजाब के किसान नेताओं ने बताया है कि वो आज बैठक कर आगे के कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ये किसान नेता केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए बुराड़ी जाने के पक्ष में हैं। नंबर 5, क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने बताया है कि वो बुराड़ी जाने के पक्ष में है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रदर्शन का लक्ष्य दिल्ली पहुंचना है। नंबर 6, कई किसान हरियाणा के सोनीपत जिले से लगती दिल्ली की सीमा पर जमा हैं और रात भर वहीं रुके। नंबर 8, अंतर्राज्यीय सीमाओं से शुक्रवार की शाम अवरोधक हटाए जाने के बाद पंजाब से किसानों के नए जत्थे दिल्ली आने के लिए हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। नंबर 9, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से आंदोलन बंद करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनसे सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। इस बात पर जोर देते हुए कि नए कृषि कानून से किसानों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा। नंबर 10, शुक्रवार शाम तक पंजाब से लगी अंतर्राज्यीय सीमाओं और दिल्ली जाने वाले राजमार्गों पर लगे हरियाणा पुलिस के सभी अवरोधक हटा लिए गए और सामान्य यातायात की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का स्वागत अतिथि के तौर पर करते हुए उनके खाने पीने और आश्रय का बंदोबस्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी के कई प्रवेश बिंदुओं से हजारों किसानों को प्रवेश करने और उत्तरी दिल्ली के मैदान में कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। किसानों के कुछ प्रतिनिधियों ने बुराड़ी में दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ निरंकारी समागम ग्राउंड का मुआयना भी किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।